राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कोरोना को लेकर डीडीएमए की बैठक होनी है और ये कहा जाता है कि डीडीएमए की बैठक जब होगी तो उसमें दिल्ली के मुखिया समेत उपराज्यपाल साहब की मौजूदगी भी होगी यानी अनिल बैजल की मौजूदगी होगी। और खबर बड़ी आपको बता रहे हैं, कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद आगे की तैयारियों पर भी चर्चा होनी है। इस वक्त की ताजी जानकारी, बड़ी खबर आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है। दिल्ली में लगातार 100 से कम मामले कोरोना के आ रहे हैं। तो अभी कोरोना के जो मामले हैं वो राहत दर्ज नजर आ रहे हैं, पर कोरोना को लेकर चाहे वो राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, वो पहले से ही एक्टिव मोड पे है। दिल्ली में लगातार 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल डीडीएमए की बैठक जो होनी है उसमें शामिल होंगे। तो कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद आगे की तैयारी पर भी चर्चा होगी और क्या कुछ बड़े जो फैसले हैं वो डीडीएमए की बैठक में लिए जाएंगे इसको लेकर भी अभी बड़ा सवाल है और तस्वीरें सामने आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो उपराज्यपाल अनिल बैजल, सीएम केजरीवाल इस बैठक में यानी कि डीडीएमए की बैठक में शामिल होंगे, जहां कोरोना की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण को लेकर फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो समीक्षा के बाद आगे की तैयारियों पर भी चर्चा हो